Hello everyone, my name is Ekam Pitkar. I am studying 4th class in Dinanagar. My district is Gurdaspur. My mother name is Sujit Kaur. She is very good person. She helped me in my study. She loves me and I am love her. My father name is Sukhvinder Singh Bajwa. She loves me and aapko pata hai, mere papa जो भी कंपटीशन हो या फिर महंगी से भी महंगी चीज़ हो, मेरे पापा हर चीज़ ला कर देते थे, मेरी हर जरूरत पूरी करते थे। आई लव माय पापा और माय ब्रदर नेम इज गुशांत सिंह बाजवा। और आपको पता है मैं डांस की कितनी बड़ी क्रेजी हूँ, और स्कूल में जहाँ भी कंपटीशन है उसमें फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। आपको पता है मैं डांस की कितनी बड़ी क्रेजी हूँ, और मैं कोई भी स्कूल में कंपटीशन में उसमें कोई ना कोई पोजीशन लेकर ही आती हूँ। और जो मुझे प्राइज मिलता है मेरे फैमिली को देख के मतलब इतने खुश होते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं खुशी के। मेरी मम्मा पापा दादी दादी मेरे भैया सब सपोर्ट करते हैं, और इनकी वजह से मैं इस पोजीशन में पहुंची। थैंक यू फॉर माय मॉम एंड डैड एंड केकेएसजी टीम। और मेरे पापा देश की रखवाली करते हैं, और मैं भी बड़े होकर चाहती हूँ मैं देश की रखवाली करूं, और मैं देश की रखवाली करूंगी ही करूंगी, साथ में अपनी डांस की परफॉर्मेंस दूंगी। हेलो एवरीवन, हाँ जी, ये एकमप्रीत मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, तो ये शुरू से ही डांस में बहुत ही इसका मतलब कि जो मन है ना पूरा डांस में ही है। जब ये छोटी थी ना, जब ये टीवी देखती थी या फिर मतलब कि कुछ भी कुछ कोई गाना गुना वगैरह जैसा मैं गुनगुनाऊँ, तो ये क्या करती थी कि डांस करना शुरू कर देती थी। तो मैंने ना शुरू से ही देखना, पता नहीं क्या इसमें, बिल्कुल छोटी सी थी ये, यानी कि यही ला लो कोई एक डेढ़ साल की, हाँ, तो इसने क्या कि ऐसा इसने ऐसे ऐसे करना ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला ले भाई इतनी छोटी है तो कैसे डांस कर रही है ये। तो फिर ऐसा ऐसा ये बड़ी होती गई तो इसने क्या करना, जब भी टीवी लगा होता था तो इसने खूब सारा डांस करना और ऐसे कमर मटका मटका के। तो मैंने कई बार तो मैं हैरान हो जाती थी कि ये क्या करती है, जो क्योंकि हमारी फैमिली में करते हैं सब डांस, ऐसा नहीं है भंगड़ा वगैरह करते हैं, बट वो करते ऐसे कि जैसे आम है ना, और ये इतना छोटा बच्चा ऐसे डांस कर रहा है तो बहुत ही खुशी होती थी कई बार कि चलो हमारा बच्चा ऐसे हुनहार बच्चा निकल रहा है। तो बाकी ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, स्टार्टिंग से ही इसको डांस का और पढ़ाई का भी बहुत ही शौक है, और इसके सबसे अच्छी ये बात है कि ये ना कहीं भी जाए ना, सबसे पहले इसने ना अपनी सहेलियां वगैरह क्या, जैसे मामू के घर जाएगी, मामी मामा इतनी ज़्यादा लाडली है ना सबकी कि मैं क्या बताऊँ, कि ऐसा है इसका रिएक्शन ही, फेस का इसका ऐसा है कि जहाँ भी जाती है ना हर कोई इसके साथ ऐसे क्लोज हो जाता है ना। पता नहीं मालिक ने वाहेगुरु ने क्या दात इसको मतलब बख्शी है ये नहीं हमें पता, कि लेकिन सब परिवार वाले नानका वाले जो इधर के हैं मतलब कि दादके वाले बहुत ही प्यार करते हैं, और इसके मतलब दादू थे वो भी इसको बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन अभी तो चलो दुनिया में नहीं है वो, बट वो हमेशा यही बोलते थे कि मेरी बच्ची है जो बहुत ही तरक्की करे, मेरा जो पोता है पोती है बहुत ही तरक्की करे। चलो सो अच्छे हैं, हम नहीं कहते कि अच्छे हैं, वो भगवान की दया से जो भी हैं ठीक है, इनका टैलेंट इनके पास है, जो कर रहे हैं अच्छे हैं। और ये है कि जैसे भी म्यूज़िक में या फिर डांस में या फिर कुछ भी लगा लो,
कि सब में ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। जब मैं घर पर फ्री होती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कभी टीवी में, कभी मोबाइल में, कभी डेक में, कभी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। मैं इतनी प्रैक्टिस करती हूँ कि मेरी मम्मा भी कहते हैं, बैठ जा थोड़ा सा ले ले जी। तो और जब भी किसी भी फंक्शन पे जाते हैं, जैसे किसी मैरिज पे चले गए, तो जब भी म्यूजिक स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले एकम शुरू हो जाती है डांस करने के लिए, और बहुत ही डांस करती है और डांस भी अच्छा करती है। ये नहीं है इसने घर में ही सीखा है, जैसे टीवी से सीख लिया, मोबाइल से सीख लिया, ये नहीं है कि किसी ने सिखाया इसको, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद के खुद घर में करती थी, और किसी भी पार्टी, किसी भी शादी में जाए तो ये इतना डांस करती है। सब मेरे को पूछते हैं कि इसको सिखाया है आपने, मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि मैंने कभी सिखाया ही नहीं है, खुद के खुद पता नहीं कैसे, कहाँ से कर लेती है और कहाँ से सीख लेती है, मेरे को नहीं पता। लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो परमात्मा ने आपको ऐसी बेटी दी है कि जो हर काम भी ठीक है वैसे ये। तो बहुत खुशी होती है जब मेरे को सब बोलते हैं कि देखो आपकी बच्ची ऐसे डांस कर रही है, बहुत अच्छी है, तो खुशी होती है। और क्या चाहते हैं हम, यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे निकले और हमें बोलें, ये चीज़ें बोलें और हमें मतलब खुशी हो। और इसके पापा, सबसे ज़्यादा अपने पापा की लाड़ ली है, शायद इतना मैं भी नहीं करती। इसके पापा आर्मी में है और इसको बहुत ही प्यार करते हैं। और सुबह अभी 2 बार फ़ोन आ चुका है मेरी बेटी का, जो भी मतलब कि हुआ हो गया सब, मैंने बोला बहुत खुश है आपकी बेटी। और इसके पापा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इसके पापा का है। तो ये जब भी सुबह उठती है ना, तो मैंने कभी भी इनको ये नहीं बोला कि बेटा उठाती जरूर हूँ, अलार्म लगा देती हूँ। जब भी ये उठते हैं, सबसे पहले मेरे बच्चों, दोनों बच्चों का ये है कि जब भी उठेंगे ना, जब भी बैठेंगे, तो दोनों बहन भाई बैठ के सबसे पहले अपना सिर ढक के वो क्या करते हैं कि पाठ करेंगे, और पाठ करेंगे मूल मंत्र जी का पाठ करेंगे। 5 मिनट ज़्यादा नहीं बोलती, 5 मिनट दोनों बहन भाई पाठ करके फिर ही बाकी काम शुरू होता है उनका। और वो पाठ करते हैं, सुबह पाठ करके ही अगरबत्ती वगैरह लगा के वाहेगुरु जी के आगे अरदास करके, और जो भी वाहेगुरु के आगे जो भी बोलते हैं, जो भी वाहेगुरु के साथ उनकी बातें होती हैं, हमेशा उनकी बातें, हमेशा उसकी विशेष पूरी होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसकी विशेष ना पूरी हो। और वो ये ना पूरे फ़ख्र के साथ इसके ऐसा होता है, जब भी है ना मतलब माथा वगैरह टेकती है, तो इसको बातें पता कैसे करती है, जैसे आम मम्मा पापा के साथ बातें नहीं करती, ऐसे बातें करेगी, हे बाबा जी अभी मैं ऐसे ना मेरी ये विश पूरी कर देना, बाबा जी मेरी ये विश पूरी कर देना। कई बार मैं खुद हैरान होती हूँ कि ये कैसे बातें कर रही है, फिर बोलती है मम्मा नहीं मैं जो भी बोलती हूँ ना, देखो भगवान जी मेरी मानते हैं ना, तो फिर मैं ना हंसती हूँ। मैंने बोली हाँ बच्चे हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये इसको अपने वाहेगुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। सतनाम करता पुरख नीर पाओ नीर वैर काल मूरत जूनी सैभंभ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार। KKSD में जो इसका 5th round है, फाइनल राउंड है, तो हम पूरी फैमिली यही भगवान के आगे बस प्रे करते हैं कि हमारी बेटी जीत के आए। तो और हमारे जो विशेष हैं अपनी बेटी के साथ हैं, और बस यही है भगवान के आगे कि अभी हमें यही उम्मीद है कि हमारी बेटी KKSD में जीत के आए और अपनी फैमिली को खुश करे, अपने दादी, अपने पूरे परिवार, जाने की नानका मेल है, जो अपना दाद का मेल है, जो भी है, सबको खुश करे और हमारा रोशन नाम करे।
और मैं स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट, मैं कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई पोजीशन लेकर, जैसे फर्स्ट सेकंड, और मेरी हर थर्ड के नीचे नहीं आती, इतनी इंटेलिजेंट। Hello everyone, I'm Riya and she is my cousin sister. She is very talented and hardworking. And thank you for KKHD. She is grand finals finalist and she is very hardworking, talented. All the best, Ekam, please win this show. And please apne mama papa ko naam roshan karna aur is game, is KKHD show ko apna naam deke aana. थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। जब तुम ये शो जीत के आओगे मुझे पार्टी दोगी? हाँ जरूर, मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी दूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। And this is my nani mama. She's very good and she's very kind person. And ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे लिए सब कुछ करते हैं। जब भी मैं अपने मामे को जाती हूँ, ये मैं सबसे ख्याल रखते हैं, सबसे ज़्यादा, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। I love my nani। ये बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, अपने में घर में रहती है ना, मेरे को लगती है नानी तू कैसी है, नानी अच्छी है, नानी खाना खाया तू, बहुत प्यारी लगती है, बहुत साढ़े घर चल जाएगी। मैं हिंदी तो जानती, मैं पंजाबी जाननी है, मैंने इतना नहीं आता भाई, मैं अपने घर जा चल जा, नहीं कहती नानी खाना खा लिया, मैं खा लिया, जाके तो डांस करेगी मेरे घर जाके। मैं आख्या छोटू बह जा, कहती नहीं नानी मैं डांस बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है, इसका पापा भी बहुत खुश होता है, इसकी मम्मा भी बहुत खुश होती है मेरे घर में जाती है, हैं तो बहुत अच्छी प्यारी लगती है। जहाँ अपने मामे को बुलाती है, भाभी मामी को बुलाती है, अपने मामे के लड़के को बुलाती है, मेरे साथ आओ तो खेलो, हाँ इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, पढ़ाई को भी ठीक है, हाँ तो बहुत अच्छी है। मेरा नहीं महाराज सच्चा पातशाह जी बड़ी बड़ी उम्र करे, बहुत अच्छी लड़की निकले रही, पढ़ाई चंगी तरक्की महाराज पाए रही, बेटा है उन्होंने चढ़ी खलाज रखे, चंगी उन्होंने तरक्की आवे। जब मैं खाना खाती हूँ तब भी मैं डांस करती हूँ, जब स्टडी करती हूँ तब भी मैं मतलब ऐसे हिलती जाती हूँ, मुझे मन नहीं बहुत करता है करने का, कभी कभी मैं इतना डांस करती हूँ, इतना ज़्यादा डांस करती हूँ, मैं खाना खाने ही भूल जाती हूँ, ऐसी क्रेजी हूँ मैं डांस की। Hello everyone, my name is Kushan Singh Bajwa, a Kamrit Kaur brother. Whenever I see my sister to do dance, and in this moment I feel so proud in my sister to her talent. I am so lucky to have this type of sister to me. And whenever school organizing any competition like drama, singing and dance etc. And she always participated in these competitions and always won first prize in this competition. And I'm so lucky to have my sister, this type of sister. Thanks to KKHD to show my sister talent, and I love my sister. Best of luck to my sister to her participate. Thanks to KKHD to show my sister talent to the peoples. Thank you KKHD. मैं एकम की बेस्ट फ्रेंड हूँ
और ये बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा काइंड है और इसको ये डांस में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। क्लास में भी सारी टीचर्स इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और हम इसके साथ हमेशा इकट्ठे खेलते हैं। ये बहुत अच्छी लड़की है और जब भी ये घर में फ्री होती है हमें भी डांस सिखाती है और ये फनी भी बहुत ज़्यादा है। हम दोनों इकट्ठे हमेशा टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग इकट्ठे स्टडी भी करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे हम लोग डांस भी करते हैं। शी इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल गर्ल ऑल्सो। ये डांस भी बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, ये हमें भी सिखाती है जब भी ये फ्री हो। और अब ये फाइनल में पहुँच चुकी है, वी आर वेरी हैप्पी। आई विश टू गॉड कि ये फर्स्ट आए। बेस्ट ऑफ लक एकम, बेस्ट ऑफ लक एकम, बेस्ट ऑफ लक एकम। थैंक यू। फाइव, वन, बहुत अच्छे है। बेस्ट ऑफ लक दीदी। मैं एकम दीपक का अंकल। एकम बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे मैनर्स हैं, तो इसकी सिलेक्शन जो कि HST में हुई है हमें बहुत ही खुशी है कि इसकी सिलेक्शन हुई है। मेरा नाम निधि है, मैं एकम की आंटी, और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि उसकी KKHD में सिलेक्शन हुई है। जैसे कि आपको भी पता है कि उसकी सिलेक्शन फाइनल राउंड में हो गई है, तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसने अपने पेरेंट्स का और पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। जैसे हमने TV पे एकम का डांस देखा तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमारे छोटे से इलाके में एकम ने इतनी ऊंची उपलब्धि हासिल की है, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमारे परिवार वाले, हम अपने बच्चों को बताते हैं, उसकी वीडियो बताई हमने एकम की कि देखो ऐसे आपने भी सिलेक्ट होना है। तो हमारी भगवान से यही अरदास है कि वो KKHD में फाइनल राउंड में विनर हो और हमारा अपने पेरेंट्स का और पूरे इलाके का नाम रोशन करें। पता है जब पहले थी
तब मुझे कोई भी नहीं पता, कोई भी मुझे सलाम। जब मेरा टीवी शो में आया चैनल, तो सभी मैं जब भी मैं स्कूल गई तो भी मेरे सभी ऑटोग्राफ, मैं शौक हो गई, मैंने ये क्या हुआ। फिर अब जिनको मैं नहीं भी जानती वो सब मुझे जानते हैं, और मेरी इतनी पहचान बन गई है ना, मतलब मुझे सब चाहने लगे हैं। और ये जो मेरी पहचान हुई है ये KKHD के मंच दोबारा ही हुई है। सभी बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ जिनके पास टैलेंट है सिंगिंग, डांसिंग, योगा एक्सेट्रा, वो प्लीज़ इस डांस में ले KKHD टीम में। KKHD टीम ऐसी है जो आपको ग्रैंड फाइनल तक पहुँचेगी। Good afternoon everyone, I am Sister Josh Lee, the principal of Little Flower Senior Secondary Convent School, Dinanagar. Today I am so happy to know Egam Preet, one of my students, have completed her third round of the contest Kisme Kitna Hedu. It is a matter of great joy for me that she was selected for the great finale on this occasion. As she is going for the great finale, it is my blessing for her. May God bless her abundantly so that she may be able to win for the grand finale, and she will achieve in this competition and brings lot of laurels to the school, to the management, to the teachers and her parents. All the best, Egam Preet. Egam Preet, as you are going for the grand finale, sisters wish you will win, you will get first prize in this. Thank you, sister. And may God bless you, do well. Okay? Thank you, sister. And I teach Mass in Little Flower Convent School in Dinanagar. And today I want to tell about Ekam Preet Kaur. I was the class in charge in her third standard. She is very good in study. She is very talented girl. And now she is doing in Kisme Kitna Hai Dam. And now I wish to her she win this talent, and proud of her, proud the parents and us. Ekam Preet Kaur, every time, whenever the function is there, she want to participate. She is a good leader. In Gitta last year, she is also participated in Gitta, and she is very talented one. And I wish her she got the trophy of Kisme Kitna Hai Dam, and proud of us and her parents and the school management also. And now she is the finalist of the Kisme Kitna Hai Dam. And इस शो को वो जीते, और स्कूल अपने पेरेंट्स का सबका और इस एरिया का दीनानगर का नाम रोशन करे। एंड बेस्ट विशेज एकम प्रीत कौर, एंड ऑल्सो थैंक यू द टीम ऑफ द किस्में कितना है दम, जिन्होंने हमारे स्कूल में आकर बच्चों से
इंट्रोडक्शन की और उन्होंने पार्टिसिपेट करा एंड नाउ शी इज़ द फाइनलिस्ट ऑफ द किसमें कितना है दम. सो थैंक यू ऑल्सो टीम ऑफ द किसमें कितना है दम. के हल्दी टीम हमारे स्कूल में आई थी और उन्होंने बताया अगर किसी के भी पास आकर टैलेंट है वो प्लीज़ इस डांस में करें. मैंने डांस में स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती गई. अब मैं ग्रैंड फाइनल बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ. मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं ग्रैंड फाइनल में पहुँच चुकी हूँ और मैं वहाँ से विन होकर आऊँ और मेरे मम्मा पापा बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो. थैंक्स के क्या थी.